आज तक कोई इंसान स्कूल नहीं गया तो वो किसी को कैसे ये कह सकता है कि टेंथ इस तरीके से पास की जा सकती है? इस बात का कोई लॉजिक बनता है? और आजकल ऐसा ही कुछ यूट्यूब पे देखने को मिलता है, कुछ लोग जो हैं बिना वजह का धक्के से अपना ज्ञान देने आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने चैनल का नाम ज्ञानी रख लिया है। इसलिए भले ये लोग दिमाग से पैदल है बट अपने आप को इतना ज्ञानी समझते हैं कि लोगों को धक्के से अपना ज्ञान देने पर तुले हुए हैं। ये इंसान अपने चैनल पर कहता है कि रिलीजियन के ऊपर कॉमेडी या मजाक करने क्यों नहीं दिया जाता। और आप कहते हो रिलीजन के ऊपर जोक नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? इतना वीक फेथ क्यों है आपका कि एक जोक से आप ऑफेंड हो जाओगे? वी आर नॉट गॉड लविंग पीपल, वी आर गॉड फेयरिंग पीपल। और अपनी इस बात को जस्टिफाई करने के लिए ये एक इंसान जो है वो बाहर के यानी फॉरेनर का एग्जाम्पल देते हैं कि जब वहां पर ऐसा हो रहा है तो इस देश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। देख बच्चे, थोड़ा बहुत अगर तू पढ़ लिया होता तो चीजें तुझे समझ में आती। जब एक समाज के जो लोग हैं वो एक अपनी आस्था रखते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का फायदा उठाकर उनकी आस्था को चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। और रही बात तूने अपने चैनल पर जिस वीडियो को दिखाया, He didn't like levitate down from the ceiling like, this white light around him. Why would you listen to another human being tell you where you're gonna go when you die? It's just like, dude, have you ever been dead? No. Great. So wouldn't it be safe to assume that you wouldn't have the slightest fucking idea what you're talking about? Yeah, you're making it up. You're making the shit up. You're not fooling me with the robes and the candles, speaking in old English. He said it under your wish. Shut the fuck up. You don't talk like that. इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि तू दूसरी कंट्री के लोगों को ज्यादा होशियार या समझदार मानता है एज कंपेयर टू इंडिया के। पहले तो ये थॉट अपने दिमाग से निकाल दे। जहां अगर मैं ये कहूं कि यहां पर हमारे देश में, भारत देश में किसी ने ये कहा 2 - 2 = 1 होता है, जो एक गलत चीज है। और अगर कोई बाहर देश का इंसान अगर ये कहता है 2 - 2 = 3 होता है और तू ये कहे कि उस इंसान ने ये बात बोली है 2 - 2 = 3 वो सही है क्योंकि वो बाहर देश का है, अरे यार इस चीज में क्या लॉजिक है? जो यूनिवर्सली गलत है वो तो गलत है ना यार। यहां अगर 2 - 2 = 1 होता है वो गलत चीज है, अगर हम 2 में से 2 अगर घटाते हैं तो वो 1 नहीं होता, वो 0 होता है। वो तो यूनिवर्सली फैक्ट है यार, चाहे वो अगर किसी और देश में बोली जा रही है तो वो भी वहां पे अप्लाई होती है चीजें। और कोई दूसरी कंट्री अपने रिलीजियन या अपने फेथ का मजाक उड़ाती है, वो वहां की टेंशन, वो वहां की प्रॉब्लम है, वो वहां के लोगों का थॉट प्रोसेस है। ये भारत देश है, यहाँ के लोगों का थॉट प्रोसेस अलग है। जो चीज गलत है उसको जस्टिफाई करने के लिए किसी दूसरे देश से जो इंसान अपने रिलीजियन या अपने फेथ का मजाक उड़ाता है उसका एग्जाम्पल देना, यार ये कौन सा तुक हुआ यार। ऐसे तो मैं बहुत सारे देश गिना दूंगा जहां पर होमोसेक्सुअलिटी जो है वो इलीगल है जबकि वहां इस चीज के लिए फांसी दी जाती है। और हमारे देश में कितनी ज्यादा आजादी है। अब क्या उन देश के रूल्स जो हैं या वो देश जैसा कर रहे हैं वो यहां पर भी लागू कर दे? नहीं यार, अब तू कहेगा नहीं वो चीज वो लोग गलत कर रहे हैं, वो गलत चीज इस देश में क्यों लागू हो? अब तू वहां गलत बोल देगा। अब मैं ये बोलूं कि भाई वो इंसान जो बोल रहा था वो मेरी नजरों में गलत है तो उसके थॉट प्रोसेस को हम अपने देश में एप्लीकेबल नहीं कर सकते। और कमाल की बात है, तूने अपने आप को सही साबित करने के लिए, ये बताने के लिए कि हाँ रिलीजियन पर हम क्यों मजाक नहीं उड़ा सकते, तूने एक दूसरे देश की वीडियो को अपने चैनल पर शो किया ताकि तू अपने आप को सही साबित कर सके, लोगों के दिमाग में ये डाल सके कि रिलीजियन पर कॉमेडी करना एक मॉडर्न आइडिया है, इस पर की जानी चाहिए। एक भारत जहां पर लोगों का इतना ज्यादा फेथ है अपने रिलीजियन, अपने भगवान के ऊपर, वहां पर तू ये चीजें अपने सब्सक्राइबर को बोल रहे हैं। सपोज अगर तेरे सब्सक्राइबर में से किसी ने भी, कुछ 10-15 लोगों ने भी अगर तेरी बात को सीरियसली ले लिया और उन लोगों ने ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी कि वो किसी धर्म या किसी मजहब के ऊपर वो मजाक कर रहे हैं, तो यार वो उनके साथ क्या हो सकता है? तुझे अंदाजा भी है थोड़ा बहुत? अगर तू किसी को सही नहीं बता सकता तो उसे मिसगाइड तो मत करना। एक बेवकूफ इंसान ने कॉन्स्टिट्यूशन नाम का एक वर्ड सुन लिया, उसे पता चला कि भारत देश में संविधान नाम की भी कोई चीज होती है। अब उसे इसका मीनिंग नहीं पता, उसे नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशन में होता क्या है, उसे इसकी रत्ती भर भी नॉलेज नहीं है।
बट उसे कॉन्स्टिट्यूशन सुना, उसने संविधान सुना, वो अपनी वीडियो में संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का यूज करने लगा अपने आप को ज्ञानी दिखाने के लिए, भले ही वो दिमाग से पैदल है, ताकि व्यूज और सब्सक्राइबर कमा सके। मैं एक बात बोलूंगा, पहले सोचा कर फिर बोला कर। ये कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन चिल्लाने से कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसके जो आर्टिकल है वो अपने आप दिमाग में नहीं घुस जाएंगे, उनको पहले जाकर पढ़ो, ध्यान से उन चीजों को पढ़ो उसमें लिखा क्या है। आई होप सो इन जैसे गधों को ये बात समझ में आई होगी। और टीटू, इन जैसों के 400,000 फॉलोअर्स हैं, सोच सकता है यार गधों की संख्या कितनी बढ़ गई है देश में। और एक बात जो तूने बोला ना कि एक चुटकुला जो है, क्या इतना फेथ कमजोर है कि एक चुटकुला संभाल नहीं सकते? एक चुटकुले की बात नहीं है, कितने ज़्यादा जो मजाक हैं सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर बनाए जाते हैं। थोड़े दिन पहले शर्लिन कौर ऐसी कुछ लेडी थी, वो इस कौन के ऊपर कुछ भद्दे मजाक बना रही थी, भगवान गणेश के ऊपर लोग जो हैं वो कितने भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं, कितने गलत उनके ऊपर वो मजाक बना रहे थे, शिव जी भगवान के ऊपर वो चीज़ कर रहे थे, अब छत्रपति शिवाजी महाराज पर वो चीज़ें कर रहे हैं। तो कंटिन्यूसली देखो तो कितने ज़्यादा जो लोग हैं स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पर एक पर्टिकुलर रिलीजन को वो टारगेट करते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक ही रिलीजन क्यों, और बाकी रिलीजन कहाँ गए? इस्लाम हो गया, जो क्रिश्चियनिटी हो गई, या फिर सिखिज्म हो गया, तो इनके ऊपर करके दिखाओ। तो मैं ये कहूँगा कि यार क्यों करो, किसी के फेथ को क्यों तुम नुकसान पहुँचा रहे हो, किसी के फेथ के लोगों को क्यों तुम हर्ट करने पर कर रहे हो? मत करो यार, किसी का फेथ मत हट करो, उसकी आस्था उससे जुड़ी हुई है। किसी इंसान के पास कुछ नहीं होता तो उसके पास उम्मीदें होती हैं, और उस उम्मीद को हट करने का किसी को कोई अधिकार नहीं होता।